हमारे YouTube चैनल में हम PGDCA जो कि ग्रेजुएशन के बाद कोर्स होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इस कोर्स से रिलेटेड सीक्वेंस वाइज वीडियोस अपलोड कर रहे हैं सभी क्लासेस का। यदि आप ग्रेजुएट हैं और उसके बाद आप PGDCA डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं और साथ ही साथ सीखने के साथ साथ आप डिप्लोमा भी चाहते हैं, तो कुछ इस तरीके से डिप्लोमा और मार्कशीट आप हमारे इंस्टीट्यूट से प्राप्त कर सकते हैं कोर्स को ज्वाइन करने के बाद। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है और ऐप डाउनलोड करना है जो कि प्ले स्टोर से इस प्रकार से दिखलाई देगा। इसका लोगो आप देख लीजिए और इसका नाम है माई कंप्यूटर कोर्स ऐप। आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद आपको कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है, उस कोर्स के अंदर आपको कैसे कंटेंट मिलेगा, कोर्स में आपको आपकी डिटेल कैसे शेयर करनी है, हमको एनरोल कैसे करना है, और वीडियो देखने के बाद इसका डिप्लोमा और इसका जो मार्कशीट है वो आपको कैसे मिलेगा, इसके बारे में अभी हम समझते हैं। उसके बाद आज की हम कंप्लीट क्लास में समझने वाले हैं PGDCA के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि MS ऑफिस के अंतर्गत आता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और MS ऑफिस की इस क्लास को अटेंड करके PGDCA के अंतर्गत आने वाले इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम समझते हैं कि कैसे आप PGDCA के कोर्स को हमारे ऐप से ज्वाइन करोगे। देखिए, जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे माई कंप्यूटर कोर्स ऐप, आपको आना है स्टोर टैब में। जी हाँ, आपको अपने मोबाइल में जो ऐप होगा उसके स्टोर टैब में आना है और स्टोर टैब में आने के बाद कुछ इस प्रकार से थंबनेल का आपको कोर्स दिखाई देगा। आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन स्टडी ऑनलाइन एग्जाम ऑनलाइन सरकारी नौकरी मान्य गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन संस्था का आपको डिप्लोमा मिलेगा। अब यहाँ पर केवल उस गवर्नमेंट जॉब में हमारा PGDCA का डिप्लोमा चलेगा जहाँ पर कि ये लिखा हुआ है कि किसी भी संस्थान का डिप्लोमा जो है आप लगा सकते हैं। लेकिन यदि लिखा हुआ है कि UGC से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ पर आप हमारे संस्थान का डिप्लोमा नहीं लगा सकते। लगाएंगे भी तो वो वैलिड नहीं होगा। केवल वहाँ पर लगा सकते हैं जहाँ लिखा हुआ है कि किसी भी संस्थान से, किसी भी इंस्टीट्यूट से आप डिप्लोमा किए हों और वो जब हम वर्क कर रहे होते हैं और MS वर्ड में यदि हमको जो भी डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, एक तो हो गया कि हम हर एक डॉक्यूमेंट में जो भी डिज़ाइनिंग है, जो भी टाइपिंग वर्क है, उसके कलर को, उसकी डिज़ाइन को मैन्युअली चेंज करें। कैसे? इसके लिए चलो एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। तो अभी हमको तेज़ी से यदि डॉक्यूमेंट बनाना है तो हमको मालूम है कि हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये टेम्पलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कोई भी टेम्पलेट जो है एक डिज़ाइन के रूप में ले लेते हैं। मान लीजिए कि रिज्यूमे है, रिज्यूमे आप लोग समझते होंगे, अपना बायोडाटा सब लोग बनाते हैं। यहाँ से बहुत सुंदर तरीके से आकर्षक आपको रिज्यूमे के टेम्पलेट मिल जाएंगे, बस क्लिक करना है और वो रिज्यूमे आपका बन जाएगा। और उसके बाद उसमें आप अपना नाम वगैरह, टेक्स्ट वगैरह सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसके लिए एक चीज़ बस ध्यान रखना है कि क्या होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तभी ये इसको क्रिएट करेगा, क्योंकि ये इंटरनेट से ये टेम्पलेट डाउनलोड होता है। डाउनलोड होने के बाद ये टेम्पलेट देखो इस तरीके से दिखलाई दे रहा है। यहाँ पर जाकर के आप अपना नाम टाइप कर दो, सरनेम टाइप कर दो, इमेज चेंज कर दो और बढ़िया कलर फुल रूप में जाकर के इसका प्रिंट निकाल लो। इतना शानदार जो रिज्यूमे है उसको बनाने में आपको बहुत समय लगेगा, लेकिन MS वर्ड ने क्या सुविधा दी कि आप एक क्लिक में और अपना रिज्यूम बना लोगे, बस थोड़ा सा एडिटिंग करना है। तो इस पर भी अपना रिज्यूम ज़रूर बनाएं। अब एक चीज़ ये है कि जैसे इस रिज्यूम को हमको फॉर्मेट करना है, जैसे इसकी जो ये कलर दिखाई दे रहा है इसको हमको सही नहीं लग रहा, ये कलर चेंज करना है, इसका कलर चेंज करना है, और भी किसी प्रकार की फॉर्मेटिंग यदि करना है, तो एक तरीका तो ये है कि हम हर एक टेक्स्ट को अलग अलग सेलेक्ट करें और उसका कलर यहाँ से मैन्युअली चेंज करें। लेकिन MS Word एक सुविधा देता है डिज़ाइन टैब में, जहाँ पर कि इस प्रकार के टेम्पलेट्स जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है, टेक्स्ट का इस्तेमाल हो रहा है कलरफुल, और पूरा प्री डिफाइंड डिज़ाइन है, उसको यदि चेंज करना है तो ये डिज़ाइन टैब बहुत ही यूज़फुल जो है टैब यहाँ पर दिया गया है। इसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं वो देखते हैं।
तो डिज़ाइन टैब के अंतर्गत पहला ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है थीम। तो देखो थीम तो नॉर्मली आप अपने मोबाइल वगैरह में भी इस्तेमाल करते हो, तो वैसे ही कुछ है यहाँ पर। जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि बना हुआ जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी डिज़ाइन केवल एक ही क्लिक में चेंज हो रही है, जिसको कि हमको जाकर के मैन्युअली चेंज करना पड़ता। लेकिन पूरे डॉक्यूमेंट की यदि हम थीम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करके और जो पूरे डॉक्यूमेंट का आप कह सकते हैं जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे आप कोई चीज़ डिज़ाइन करवाते हैं किसी डिज़ाइनर के यहाँ, तो वो दो तीन डिज़ाइन में देता है, और दो तीन डिज़ाइन में देने के बाद वो आपसे बोलता है कि आप सेलेक्ट करिए कौन सा पसंद है। ऐसे यदि आपसे कोई रिज्यूम बनवाता है तो आप उसको बढ़िया ये रिज्यूम यहाँ से भी सेलेक्ट करके उसको यहाँ से थीम चेंज करके आप उसको पूछ सकते हो कि आपको कौन सी थीम पसंद है। ठीक है, उसको तो लगेगा कि आपने बहुत डिज़ाइन बनाई इसमें, अलग अलग कलर किया, लेकिन आपने उसी डिज़ाइन को बना करके और उसकी क्या चेंज कर दी, केवल थीम चेंज कर दी। तो यहाँ से थीम चेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार से ये ग्रुप दिया गया है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, ये क्या करता है, एक बार चलिए हम इसकी थीम और चेंज करते हैं। ये थीम है हमारे पास डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में, यहाँ से डायरेक्टली जो टेक्स्ट है ये देखो टेक्स्ट की साइज भी चेंज हो गई, पूरी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग चेंज हो गई है ना, इतनी सारी फॉर्मेटिंग दी गई है, कोई भी फॉर्मेटिंग आप चुन लीजिए। और ये अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन में अलग अलग प्रकार का आपको मिलेगा। अभी तो फिलहाल यहाँ पर हमारा रिज्यूम है जिसमें कि कुछ इस प्रकार का टेक्स्ट है, कुछ इस प्रकार का कलर है। अगर इसी प्रकार से कुछ और दूसरी डिज़ाइन बनाएंगे, वो भी हम बना के एक बार दिखाएंगे, तो वहाँ पर भी आपको अलग प्रकार की इसकी फॉर्मेटिंग दिखलाई देगी। तो यहाँ पर आपको एक एक टेक्स्ट को मैनुअली नहीं चेंज करना है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में जा करके यहाँ से चेंज कर देना है तो ऑटोमेटिक वो चेंज कर देगा। ठीक है, और इनके नाम भी दिए गए हैं। हो सकता है कभी आप कोई ऐसी डिज़ाइन हो जो बहुत अच्छी लगती हो और बहुत सही तरीके से उसका फॉर्मेटिंग हो, आपको वो याद हो जाए वर्क करते करते, तो आप डिज़ाइन बनाओ और तुरंत उसको सेलेक्ट कर दो तो पूरे में वो चीज़ें ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएंगी। उसके बाद कलर दिया गया है, तो जैसे थीम का हमने कलर चेंज किया था वैसे ही हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में जो भी ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, जैसे यहाँ पर एक इस सर्कल सा इस्तेमाल हो रहा है, तो ये कलर जो है उसका कलर जो है चेंज करेगा, और आप अपने हिसाब से जो है यहाँ से जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे उस प्रकार से कलर डिज़ाइन यहाँ पर आ जाएगी। देखिए ठीक है, तो कलर चेंज करेगा। अब जो पूरे टेक्स्ट में हमारे में फॉन्ट इस्तेमाल हुए हैं, उन फॉन्ट को चेंज करना है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। देखिए तो ये इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि हमको सब कुछ डिज़ाइन बना हुआ मिल रहा है, केवल हमको जाकर के क्या करना है, सेलेक्ट करना है। उसके अलावा देखो इसमें पैराग्राफ भी इस्तेमाल हुए हैं, तो पैराग्राफ की यदि आपको स्पेसिंग सेट करना है जो कि दी गई है यहाँ पर बिल्ट इन पहले से बनी हुई नो स्पेसिंग कॉम्पैक्ट में, देखना आप थोड़ा सा इसमें प्रभाव पड़ेगा, टाइट ठीक है, ओपन ओपन में लिखा भी हुआ है कि इसकी क्या फॉर्मेटिंग दे रहा है ये पैराग्राफ की। एक पैराग्राफ हो गया जो हम कहाँ से इस्तेमाल करते हैं, होम टैब में जाएंगे और पैराग्राफ ग्रुप में ये डायलॉग बॉक्स से भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये हमको क्या दिया गया है यहाँ पर, ये पैराग्राफ भी दिया गया है। ये दूसरी चीज़ ये है कि आप यहाँ पर डिज़ाइन में जाएं और डिज़ाइन में जाने के डिज़ाइन टैब में जाएं और डिज़ाइन टैब में जाने के बाद यहाँ से पैराग्राफ स्पेसिंग को चुन लें। और इनके ऑप्शन भी दिए गए हैं यहाँ पर कि जो पैराग्राफ की यहाँ पर अप्लाई की जा रही है वो कितना है, पैराग्राफ के पहले 0 पॉइंट है, पैराग्राफ के बाद 6 पॉइंट है, लाइन स्पेसिंग 15 है। ठीक है, यहाँ पर देखो लाइन स्पेसिंग ज़्यादा है, जब हम इसको सेलेक्ट कर देंगे तो इस प्रकार की देखो पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग आ गई। तो ये हमारे ऊपर है कि किस प्रकार से पैराग्राफ हमको अच्छा लगता है। नो स्पेस हमने इस पर सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से नो पैराग्राफ स्पेस में, तो पैराग्राफ के बीच का स्पेस हट गया, देखो एक ही पेज में आ गया। तो आपके ऊपर है कैसा आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद दिया गया इफ़ेक्ट, तो ये इफ़ेक्ट क्या करता है कि जो भी ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुए हैं उन ऑब्जेक्ट में ये इफ़ेक्ट डाल देता है। जैसे नॉर्मली यदि हम यहाँ पर हो रहा है, अब हम जरा इसमें जाते हैं और स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट करते हैं। स्मार्ट आर्ट में हमने कोई भी स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कर दिया, ये शेडो वाला स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब हम जाते हैं डिज़ाइन टैब में और डिज़ाइन टैब में जा कर के देखो हल्का सा इसमें चेंजेस हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा आपको फिर से दूसरा देखना पड़ेगा, दूसरा कोई शेप लेना पड़ेगा। ये देखो ये चेंज हुआ ना, तो ये उस प्रकार से जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट होने चाहिए तब वो चेंजेस होंगे। अब इसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया देखो, और किसी भी ऑप्शन को थोड़ा सा और डिटेल में समझना है, इंग्लिश में इसमें लिखा हुआ रहता है कि किससे क्या चेंजेस होते हैं। जैसे यदि आप इसमें जाओगे तो इसमें लिखा हुआ जाएगा क्विकली चेंजेस द लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट।
डॉक्यूमेंट की लाइन और स्पेसिंग को तेजी से चेंज करेगा। इफेक्ट क्या चेंज करेगा? क्विकली चेंजेस द जनरल लुक ऑफ ऑब्जेक्ट इन योर डॉक्यूमेंट। जो ऑब्जेक्ट हैं इसी प्रकार के, जो ऑब्जेक्ट हमने रिज्यूमे में बनाए थे, जो भी डॉक्यूमेंट बनाया था उसको क्या चेंज करेगा, उसको जाकर के चेंज करेगा। ईच ऑप्शन यूजेस वेरियस बॉर्डर्स एंड विजुअल इफेक्ट। इसके प्रत्येक ऑप्शन अलग अलग प्रकार की बॉर्डर्स और विजुअल इफेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कर्जर ले जाते हैं तो इसको बोलते हैं स्क्रीन टिप। सच एज शेडिंग एंड शेडो टू गिव योर ऑब्जेक्ट एस अ डिफरेंट लुक। तो कभी अपन को इसके बारे में लिखना हो कि आखिर ये ऑप्शन कर क्या रहा है, तो अपन ऐसे कर्जर ले जाएंगे तो स्क्रीन टिप में दिखलाएगा। सेट एज डिफॉल्ट में देखो क्या लिखा है, यूज दिस लुक फॉर आवर न्यू डॉक्यूमेंट। सेव योर करेंट सेटिंग सो दैट एवरी टाइम यू क्रिएट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट इट विल बी फॉर्मेटेड जस्ट द वे यू लाइक। दिस इज परफेक्ट इट यू हैव अ फेवरेट फॉन्ट और ऑलवेज वॉन्ट टू स्पेसिफिक पैराग्राफ स्पेसिंग। अगर आपने किसी प्रकार से सेटिंग की है, पूरी सेटिंग आपको बहुत अच्छी लग रही है, आप उसको सेट एज डिफॉल्ट कर दो। जब भी नया डॉक्यूमेंट ओपन करोगे तो वही डिज़ाइन आएगी जो डिज़ाइन आपने सेट एज डिफॉल्ट में क्लिक कर दिए। मतलब कब, यहाँ से आपने थीम सेलेक्ट की, डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग दी, कलर, फॉन्ट, पैराग्राफ की स्पेसिंग, इफेक्ट दिया, जो कि बहुत समय लगाने के बाद, ढूंढने के बाद बहुत अच्छा लगा आपको। अब वैसा ही कोई दूसरा डॉक्यूमेंट बनाते हो, उसमें वैसी ही फॉर्मेटिंग चाहते हो, तो इस पर क्लिक कर दो तो वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी। अब ये चीज़ हमको कहाँ काम आती है, अगर हम कोर्स कर रहे हैं, अभी हमको आगे चल के CPCT का भी एग्ज़ाम देना है, DC का एग्ज़ाम देना है, कोई भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देना है, तो उसमें ये चीज़ें प्रैक्टिकली तो ठीक है, प्रैक्टिकली तो तब काम आएंगी जब वर्क करोगे, लेकिन वही चीज़ें पूछी जाती हैं। यदि हमको अपने MS Word 2013 वर्जन में पूरे डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिक डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए डिज़ाइन टैब में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिस पर क्लिक करने पर पुरानी डिज़ाइन अप्लाई हो जाती है, तो अपन को मालूम होनी चाहिए सेट एज डिफ़ॉल्ट है, उपयोग भी करना है और काम भी वैसा आएगा। तो ये दिया गया हमारा डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है वाटरमार्क। जैसा कि इसका नाम है, इसी प्रकार से इसका जो है यूज है। आप देख सकते हैं यदि आपका जो डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में मान लीजिए आपका कोई लेटर है, कोई आपने नोट्स बनाए हैं, ई बुक बनाई है, उसे आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, और कुछ इस तरीके से यदि आप अपने बैकग्राउंड में किसी टेक्स्ट को देना चाहते हैं, तो उसके लिए वाटरमार्क ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप इस तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप इस टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लीजिए। यदि आप इस तरीके से लिखना चाहते हैं, या आप ये लिखना चाहते हैं, या इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लिखना चाहते हैं, ठीक है, या आप वर्टिकल लिखना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। आपको चार टेम्पलेट दे दिए गए हैं, इन टेम्पलेट में से किसी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अभी हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं रैंड फंक्शन का, और यहाँ पर हम जनरेट कर लेते हैं रैंडम टेक्स्ट, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और यहाँ पर जाकर के कंट्रोल भी हमने कर लिया और हमने रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर लिया। अब हम जाते हैं वाटरमार्क पर, इस पर हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हो इसके पीछे कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है। जब आप फाइल में जाओगे, प्रिंट में क्लिक करोगे, तो आप देख सकते हो कि इसके पीछे कॉन्फिडेंशियल जो है वो प्रिंट होगा, इसके पीछे जो कॉन्फिडेंशियल है वो प्रिंट होगा। अब यदि आपको इसकी डिज़ाइन बदलनी है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो कॉन्फिडेंशियल, है ना, इस प्रकार से भी लिख सकते हो डू नॉट कॉपी, और इस प्रकार से भी लिख सकते हो। अब आप सोच रहे हो आपको कोई टेक्स्ट लगाना है या इसका कलर और डार्क करना है, लेकिन एक चीज़ याद रखें, यदि ये प्रिंट में निकलेगा तो ये थोड़ा सा डार्क ही निकलता है, स्पष्ट दिखलाई देता है, इसलिए बिल्कुल हमको हल्का ही लगाना है यदि हमको प्रिंटेबल नोट्स बना रहे हैं। उसके बाद जाना है, यदि आपको वाटरमार्क हटाना है तो रिमूव वाटरमार्क से हम वाटरमार्क हटा सकते हैं, या उसके अलावा ये कस्टम वाटरमार्क, ये बॉक्स आ गया, अभी कोई भी वाटरमार्क नहीं लगा तो ये नोट ऑफ वाटरमार्क है। पिक्चर वाटरमार्क से हम किसी भी प्रकार का लोगो वगैरह सेलेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम जाते हैं और हम कोई लोगो सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, हम कोई लोगो सेलेक्ट कर लेते हैं अपना, और उसे हम अपने डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। इस तरीके से कोई इमेज है, जिसे आपने कई देखा होगा, यूनिवर्सिटी के नोट्स वगैरह होते हैं, ई बुक होती है, तो उन नोट्स के पीछे किसी प्रकार का क्या लगा होता है, इस तरीके का एक पिक्चर लगा होता है। ओके कर देंगे तो ये देखो इसके पीछे जो है इमेज आ चुकी है ना।
ये इमेज जब प्रिंट निकलेगी तो बहुत डार्क हो जाता है। और इसके अलावा जब हम इसको इस तरीके से पीडीएफ इसकी बनाते हैं, इसकी जब आप पीडीएफ बना लोगे इस तरीके से और फिर इसको देखोगे तो भी ये जो है डार्क दिखलाई देगा। हमने इसको मान लीजिए पब्लिश कर दिया और आप देखिए किस तरीके से दिखलाई देगा ये आपका पीडीएफ में जो भी आपने वाटरमार्क लगाया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर नोट्स ई बुक वगैरह किस प्रकार से बनाई जाती हैं पीडीएफ के फॉर्म में ही बनाई जाती हैं। ये थोड़ा सा समय ले लेता है और ये देखिए ठीक है इसके पीछे दिखलाई देने लगा। ये देखिए कोई नोट्स वगैरह हैं उसके पीछे आप इस तरीके से लगा सकते हैं। इसके अलावा फिर से हम यहाँ पर जाते हैं कस्टम वाटरमार्क में जाते हैं, हम कोई पिक्चर को हम वॉश आउट को अनचेक करके देखते हैं। पहले ये देखिए और डार्क आ गया, वॉश आउट में इस तरीके से दिखलाई देगा। इसकी साइज़ भी आप चेंज कर सकते हो, देखो साइज़ चेंज हो गई है ना, और बड़ा साइज़ हो गया, ये देखो छोटा साइज़ हो जाएगा इसका, ये देखो छोटा साइज़ हो गया है ना, ऑटोमेटिक में जितना डॉक्यूमेंट है उस हिसाब से सेट हो जाएगा। और ये देखिए ये वाटरमार्क पीछे लगा हुआ है। इससे रिलेटेड कुछ ऑप्शन हमने सीखे जो ऊपर दिए गए हैं, पिक्चर से रिलेटेड टेक्स्ट वाटरमार्क, आपको किस प्रकार का टेक्स्ट लगाना है। लैंग्वेज तो बाय डिफ़ॉल्ट यही सिलेक्ट रहेगी ASAP, एज सून एज पॉसिबल तो नहीं लिखना आपको डॉक्यूमेंट के पीछे, या कुछ प्री डिफाइंड टेक्स्ट दिए गए हैं हमने ये लगा दिया, उसका फॉन्ट कैसा रखना है, उसका कलर कैसा रखना है, उसका साइज कैसा रखना है, अप्लाई कर दिया। ये देखिए पीछे लिख करके आ गया टॉप सीक्रेट, ठीक है। इसी प्रकार से इसको हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, ये देखिए हॉरिजॉन्टल आ गया। इसी प्रकार से और क्या बचा हुआ है, इसमें सेमी ट्रांसपेरेंट को अनचेक कर देते हैं और डार्क आ गया। फॉन्ट बदलना है, यहाँ से हम फॉन्ट भी बदल सकते हैं, और साइज़ बदलना है और भी साइज़ बदली जा सकती है ना। तो ये हमारे ऊपर है कि हमको किस प्रकार के डॉक्यूमेंट में हमको अपने वाटरमार्क को दिखाना है। तो यहाँ पर हमने ये वाटरमार्क ऑप्शन के द्वारा सीखा कि किस तरीके से आप अपने बनाए गए डॉक्यूमेंट में नोट्स में वाटरमार्क लगा सकते हो। वाटरमार्क हटाने के लिए यहाँ से रिमूव ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, वाटरमार्क हट जाएगा। तो ये था वाटरमार्क ऑप्शन का यूज़। इसके बाद दिया गया है देखो पेज कलर, पेज कलर आसान है, पूरे बैकग्राउंड का पेज इस तरीके से आ जाएगा, ये पूरे बैकग्राउंड का पेज आ जाएगा, पूरे बैकग्राउंड में कलर आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि हमको कलर हटाना है तो नो कलर। इसके बाद दिया गया है मोर कलर ऑप्शन, यहाँ से देखो इस तरीके से आप कोई और भी कलर चुन सकते हो, ये कलर चुन लिया। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और आती है कस्टम कलर, कस्टम कलर में ये होता है कि आप यहाँ से कलर बना सकते हैं, जैसे रेड कितना लेना है, उसके बाद आपको ग्रीन कितना लेना है, उसके बाद आपको ब्लू कितना लेना है, ठीक है। तो ये भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत काम आएगा। और ये बोल भी रहा कि 0 से 255 तक अपन ले सकते हैं, इस तरीके से लिया ओके करेंगे, देखिए कुछ इस तरीके का कलर बनेगा। तो कभी अगर आपको कलर कोड याद नहीं हो या मालूम नहीं हो कि क्या कलर कोड से क्या आएगा, तो इंटरनेट में इसके कोड भी मिल जाएंगे कि हम ये टाइप करेंगे तो ये कलर बनेगा, जो कि आपको ना तो यहाँ समझ में आएगा सेलेक्ट करने में और ना तो यहाँ पर मिलेगा, बिल्कुल नया सा कलर बन जाएगा। तो वो कलर कोड से जाता है। इसके अलावा जो ये डॉक्यूमेंट का जो पेज बैकग्राउंड जिसको बोलेंगे, इसमें आप फिल इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। फिल इफ़ेक्ट कैसा, वन कलर आप एक कलर डाल सकते हैं, उसको कलर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जो भी यहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं सेटिंग, वो यहाँ पर प्रीव्यू दिखलाई देगा, उस प्रीव्यू को सेलेक्ट करिए, ओके कर दीजिए। ये देखो डिफरेंट, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट इफेक्ट। ग्रेडियंट इफेक्ट का मतलब होता है ऊपर डार्क सा है, बीच में लाइट सा है, इसको क्या बोलते हैं ग्रेडियंट इफेक्ट। इसके अलावा अगर आपको टू कलर चाहिए तो टू कलर ले लीजिए, यहाँ पर हमने दो कलर सेलेक्ट कर लिया, और दो कलर हमको डिफरेंट कलर चाहिए है तो डिफरेंट कलर ले लेंगे हम, यहाँ पर जा करके ओके करेंगे, इस तरीके का कलर आ जाएगा। फिर यहाँ पर जाएंगे फिल इफेक्ट में, जाएंगे प्रीसेट में क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो है इतने सारे प्रीसेट्स कलर दिए गए हैं। प्रीसेट का मतलब आपको खुद कलर की चॉइस नहीं करना है, आप यहाँ से जाइए, और यहाँ से जाने के बाद इसमें इतने प्रकार की डिज़ाइन दी गई हैं, डिज़र्ट हो गया, ओसिन हो गया, काम वाटर, फायर, फॉग, मॉस, और सेलेक्ट कर लो, ओके कर दो, ये कलर इसमें जाएगा। तो इसमें अलग अलग डिज़ाइंस जो हैं पहले से दी हुई हैं प्रीसेट में। उसके बाद यही चीज़ है कि यदि आपको शेडिंग की स्टाइल रखना है, जो भी आपने चाहे यहाँ से प्रीसेट से बनाया या टू कलर से बनाया है, जो शेडिंग की स्टाइल आप बनाना चाहते हैं वो किस तरीके से बनाना चाहते हैं, वर्टिकल बनाना चाहते हैं कि डायगोनल अप बनाना चाहते हैं, डायगोनल अप में ये डिज़ाइन हमने सेलेक्ट कर दी, ठीक है डायगोनल अप बनाना चाहते हैं,
उसी प्रकार से डायगोनल डाउन बनाना चाहते हैं, फ्रॉम कॉर्नर में ऐसा आएगा, फ्रॉम सेंटर में ऐसा आएगा, इस तरीके से आप बना सकते हो। ओके करेंगे तो कुछ इस तरीके का डिजाइन कलर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, फिल इफेक्ट। इसी में देखो टेक्स्चर दिए गए हैं, इतने प्रकार के टेक्स्चर दिए गए हैं, है ना। ये कोई भी टेक्स्चर को क्लिक करेंगे ये टेक्स्चर आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ से फिल इफेक्ट में जाएंगे और ये कलर देंगे, ये कलर आ गया, तो ये कहलाता है आपका क्या, टेक्स्चर। पैटर्न में जाएंगे, इतने सारे पैटर्न दिए गए हैं, यहाँ से हमको कलर बना चेंज करना है, कलर चेंज कर देंगे। ये देखिए इतने सारे डिफरेंट पैटर्न्स हैं कोई भी। तो ये डिज़ाइन में, अब डिज़ाइन में एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि आपने इतनी सारी डिज़ाइनिंग ही सीखी और ख़ासकर पेज बैकग्राउंड का कलर सेट कर रहे हो, कुछ भी डिज़ाइन ऐसी बनाना है जो कि अगर आप कुछ पढ़ने के लिए बना रहे हो तो टेक्स्ट ऐसा हो जो समझ में आए, और यदि आप कुछ इमेज रख रहे हो या कुछ ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो ऐसा हो जो दिखाई दे। मतलब अगर पीछे का कलर लाइट है तो ऊपर का डार्क होना चाहिए, और पीछे का यदि डार्क है तो ऊपर का लाइट होना चाहिए, ऐसा बनाओ। तो हमेशा ऐसा कलर चूज़ करना, जैसे ये स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन यदि इसी प्रकार से हम ये कुछ ऐसा कलर ले लेंगे, ये कलर ले लेंगे तो बहुत अच्छा है। अच्छा, ऐसा कलर में बहुत सारे लोग टाइपिंग भी करते हैं, बहुत जगह जाएंगे तो इसमें क्या है, बिल्कुल स्पष्ट टेक्स्ट में स्पेलिंग मिस्टेक है या कोई गलती है, स्पेस नहीं है तो नज़र जाती है और आँखों में ज़्यादा लाइट भी नहीं पड़ती है। तो कई लोगों को आप देखना, हिंदी टाइपिस्ट है, इंग्लिश टाइपिंग है, वो इसी प्रकार की टाइपिंग करते हैं, इस फॉन्ट को चुन लेते हैं, इस प्रकार की डिज़ाइन को चुन लेते हैं और टाइपिंग कर लेते हैं। आप भी कभी डिज़ाइनिंग करें, टाइपिंग करें, तो इस प्रकार से टाइपिंग करें, अच्छा लगेगा, और उसके बाद चेंज कर दें। फिल इफेक्ट में आते हैं तो यहाँ से आप अलग अलग वेरियंट चुन सकते हैं, देख लिया टेक्स्चर पैटर्न पिक्चर। मान लीजिए पूरा पीछे हमको पिक्चर लगाना है, ये भी इसी तरीके से वर्क करेगा कि आपको इंटरनेट है यदि तो इंटरनेट ही ओपन करना पड़ेगा, नहीं तो ऑफलाइन आप चलाइए और ओके कर दीजिए, देखिए पिक्चर आ जाएगी। लेकिन पिक्चर बड़ी थी इस कारण से इस प्रकार से दिखलाई दे रही है। अब हम चलते हैं फिल इफेक्ट में, पिक्चर में जाते हैं और यहाँ से हमने पिक्चर सेलेक्ट किया। आपको पिक्चर की साइज़ को ही चेंज करना पड़ेगा तभी उसमें सही तरीके से पिक्चर जो है सेलेक्ट हो पाएगी, है ना। वर्क हमने ये वाला सेलेक्ट कर लिया मान लो और ओके कर दिया, इस तरीके का ये बैकग्राउंड आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ है, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हटाना है तो नो कलर में क्लिक कर दो, हटाना है तो सीधे नो कलर में क्लिक कर दो, सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी। तो ये क्या था आपका, पेज कलर ऑप्शन के अंतर्गत सारे ऑप्शन हमने देखे कि किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। पेज बैकग्राउंड के अंतर्गत अगला ऑप्शन दिया गया है हमारा पेज बॉर्डर। ये पेज बॉर्डर का क्या उपयोग होता है, जैसा कि नाम है पेज की बॉर्डर, और अभी तक हमने देखा था कि स्क्रीन टिप में हम जा कर के पढ़ सकते हैं कि ये ऑप्शन करेगा क्या। तो ऐड और चेंज द बॉर्डर अराउंड द पेज, पेज के चारों तरफ यदि हमको बॉर्डर लगानी है तो पेज बॉर्डर ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखिए हमारा ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में हमने कुछ टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, यदि इसको हमको पेज के चारों तरफ बॉर्डर लानी है तो उसके लिए हम पेज बॉर्डर में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर तीन टैब दिए गए हैं, बॉर्डर टैब है, पेज बॉर्डर टैब है, शेडिंग टैब है, तीनों का उपयोग सीखना। सबसे पहला बॉर्डर टैब है, तो कई बार गलती हो जाती है, हम बॉर्डर टैब से लगाते हैं, हम सोचते हैं कि पेज में बॉर्डर क्यों नहीं आई, लेकिन ये जो बॉर्डर है वो किस चीज़ के लिए है, वो ये पैराग्राफ की बॉर्डर है। हम सेलेक्ट करेंगे इस पैराग्राफ को, पेज बॉर्डर में जाएंगे, हमने बॉक्स कलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया, तो यहाँ से जो बॉर्डर, ये पेज बॉर्डर सेलेक्ट था ना, अब अगर हमने बॉर्डर सेलेक्ट किया, ये पेज बॉर्डर टैब सेलेक्ट था, पेज बॉर्डर से पूरे पेज की बॉर्डर आती है। अभी पहले हम उसके पहले वाले टैब के बारे में बात करते हैं, जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया या इसके ऊपर सिंपल कर्सर भी रखा, पेज बॉर्डर में गए, बॉर्डर में गए और यहाँ से जो भी हमको बॉर्डर सेलेक्ट करनी है, हमने बॉक्स ले ली, बॉक्स के बाद स्टाइल कैसी देनी है, स्टाइल दे दी, कलर कैसा देना है, कलर दे दिया, विड्थ कैसे देना है, विड्थ दे दी, ओके कर दिया। तो ये देखो पैराग्राफ की बॉर्डर आएगी, पर्टिकुलर पैराग्राफ की, है ना। और पेज बॉर्डर में किसकी बॉर्डर आएगी, पेज की बॉर्डर आएगी। फिर से अब हम गए इसको सेलेक्ट करते हैं, पेज बॉर्डर में जाते हैं, पेज बॉर्डर में जाने के बाद 3D लिया इस बार हमने, शैडो में तो वैसे ही आएगा, डिजाइन बदल जाएगा, 3D लेते हैं। तो यहाँ पर जब अपन पेज बॉर्डर की बात करते हैं तो हम यहाँ से एक और ऑप्शन दिया गया है, ये आर्ट, यहाँ से आप देख सकते हैं पूरे पेज में इस प्रकार की बॉर्डर भी लगाई जा सकती है। लेकिन जब आप केवल पैराग्राफ की बॉर्डर लेते हैं तो उस समय ये आर्ट वाली बॉर्डर नहीं आती है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, पेज बॉर्डर में जा कर के यहाँ से ये आर्ट वाली बॉर्डर को चुन सकते हैं, तो ये पूरे पेज में इस प्रकार की डिज़ाइन जो है वो पेज बॉर्डर में आ जाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे कि जब भी
हम बॉर्डर यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, चाहे तो बॉर्डर टैब के द्वारा पैराग्राफ की बॉर्डर सिलेक्ट करें या तो पेज बॉर्डर के द्वारा पेज की बॉर्डर सिलेक्ट करें। दोनों में एक चीज़ और आती है, इसका प्रीव्यू। प्रीव्यू में कुछ बटने भी रहते हैं जिसके द्वारा कि हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये हट जाएगा अगर बॉर्डर लगी हुई है, और अगर हमको बॉटम की नहीं चाहिए इस पर क्लिक करेंगे, बॉटम की हट गई, ओके करेंगे, ये देखिए टॉप की बॉर्डर हट गई और से बॉटम की बॉर्डर हट गई। ठीक है, यहाँ पर ये लेफ्ट की बॉर्डर है और राइट की बॉर्डर बस है। इसी प्रकार से जब हम यहाँ पर कोई पैराग्राफ लेते हैं, जैसे हमने ये पैराग्राफ को कर्सर यहाँ पर रख दिया, अब हम पेज बॉर्डर में जाते हैं, पेज बॉर्डर में गए, हमने 3D ले लिया, ओके कर दिया, देखिए इस तरीके की बॉर्डर आ गई हमारे पास। लेकिन यदि इसी बॉर्डर को हम क्या चाहते हैं, ये बॉर्डर में आएंगे कि हमको चाहिए इस बार ये, इसमें हमको केवल टॉप की और बॉटम की बॉर्डर लगाना है, अगर इसका कलर वगैरह भी देना तो वो भी दे सकते हो, लेकिन कलर वगैरह देने के बाद ये चीज़ ध्यान रखना कि फिर से क्लिक करना पड़ेगा, मतलब जो भी फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई की फिर से आपको क्लिक करना पड़ेगा, और ओके करेंगे तो ये आ गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है कि आप बॉर्डर कहाँ की देना चाहते हैं, जो कि दोनों में पॉसिबल है, बॉर्डर मतलब पैराग्राफ की बॉर्डर वाले टैब में भी और पेज की बॉर्डर वाले टैब में भी। प्रीव्यू में क्लिक करके फिर से लगाना है इसमें चारों तरफ की बॉर्डर, ये देखिए फिर से चारों तरफ की बॉर्डर आ गई। इसी तरीके से पैराग्राफ में भी हमको चारों तरफ की बॉर्डर चाहिए इसमें, ये देखिए इसमें भी चारों तरफ की बॉर्डर आ गई। तो इस तरीके से प्रीव्यू में जा करके हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमको कहाँ की बॉर्डर दिखलाना है। इसके अलावा इसमें तीसरा ऑप्शन दिया गया है शेडिंग, इसका क्या उपयोग होता है चलिए देखते हैं। इस पर क्लिक करने से जो भी पैराग्राफ सेलेक्ट है उसके पीछे कलर आ जाता है, जितने पैराग्राफ में आपने सेलेक्ट किया हुआ है, सेलेक्ट किया हमने, पेज बॉर्डर में गए, शेडिंग में गए, इसकी जो भी स्टाइल चाहिए देखिए इस तरीके की स्टाइल यहाँ पर दिखलाई देगी, जो भी कलर चाहिए कलर ले लेंगे, देखिए इसके पीछे उस तरीके की शेडिंग स्टाइल जो है वो आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया, यहाँ से ये कलर हो गया, और यहाँ से हम जैसे अप्लाई करेंगे, देखिए अप्लाई नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने उस चीज़ को सेलेक्ट नहीं किया था, तो सेलेक्ट करना ज़रूरी है, पहले सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो भी डिज़ाइन चुनना है, जो भी आपको कलर चुनना है वो कलर चुन लीजिए, और उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखिए कि ये हो गया इसका मेन कलर और ये हो गया इसके पैटर्न का कलर, जो ऊपर डिज़ाइन दिख रही है ना उसका कलर, अगर इस पैटर्न को हम ले लेते हैं रेड तो इसमें रेड कलर का पैटर्न आएगा, और फिल कलर क्या रहेगा, येलो कलर रहेगा, ओके करेंगे, तो पीछे फिल कलर क्या है, येलो है, ऊपर क्या है, ऊपर क्या है आपका, ये डॉट डॉट रेड कलर है। इसी प्रकार से मान लीजिए अब हमने फिर से इस पर कर्सर रखा, ठीक है कर्सर रखा, या तो ऐसा सेलेक्ट करें या तो नॉर्मली कर्सर रख दें इस पैराग्राफ पे, फिर से इसमें गए, फिर से शेडिंग में गए, इस बार हमने लिया ये ब्लू कलर, और इस बार हमने लिया यहाँ से ये मान लीजिए ये डार्क ब्लू कलर, और उसके बाद कोई सी भी स्टाइल हमने ले ली इसके पैटर्न की, ठीक है, और ओके किया, तो आप देखोगे इस प्रकार से आ जाएगा। तो वहाँ पर पैटर्न क्या लेना है वो सेलेक्ट करना है, और बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए वो सेलेक्ट करना, कर्सर भी रहेगा तो वो काम करेगा। तो ये था आपका पेज बॉर्डर ऑप्शन। पेज बॉर्डर ऑप्शन के लिए एक और चीज़ है, फाइल में जाते हैं, न्यू में क्लिक करते हैं, ये आ गया हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर सबसे पहले हम जोड़ते हैं इसमें पांच पेज, और पांचों पेज में हम अलग अलग बॉर्डर देंगे, कैसे देंगे वो देखिए। सबसे पहले पांच पेज जोड़ने के लिए हम जाते हैं यहाँ पर पेज लेआउट ऑप्शन में, ब्रेक में जाते हैं, और पेज में ब्रेक में जाने के बाद हम यहाँ से करते हैं सेक्शन ब्रेक, क्या करते हैं सेक्शन ब्रेक, नेक्स्ट किया, इस पेज का सेक्शन वन है और इस पेज का सेक्शन टू है, तो हमने क्या किया यहाँ पर सेक्शन ब्रेक किया, फिर कर्सर यहाँ पे रखा, फिर से ब्रेक किया हमने, फिर से नेक्स्ट पेज किया, अब हम आ गए सेक्शन थ्री में और पेज थ्री में, फिर से हमने ब्रेक किया, फिर से नेक्स्ट पेज किया, अब हम आ गए सेक्शन फोर में, फिर से ब्रेक किया, फिर से नेक्स्ट पेज किया, अब हम आ गए पांचवें नंबर के पेज में, और जिसको हम बोल सकते हैं सेक्शन फाइव में, देखिए सेक्शन फाइव में। तो इस तरीके से सेक्शन ब्रेक करने में क्या होता है कि पेज का जो है क्या बदलता है, सेक्शन बदलता है। अब हम आते हैं पहले वाले पेज में कर्सर रखते हैं, ये देखिए पहले वाले पेज में हमने कर्सर रखा हुआ है, ठीक है। अब हम जाते हैं यहाँ पर डिज़ाइन टैब में, पेज बॉर्डर में, और पेज बॉर्डर में जाने के बाद यहाँ से हम बॉर्डर लेते हैं, मान लीजिए आर्ट वाली, और यहाँ पे क्लिक करते हैं दिस सेक्शन, इसका मतलब ये है कि ये जो बॉर्डर अप्लाई हो रही है केवल इस सेक्शन में ही, क्योंकि हमने क्या किया सेक्शन ब्रेक किया, सेक्शन ब्रेक मतलब हर एक पेज का अलग अलग सेक्शन हो गया। अब हम दूसरे पेज में आते हैं,
पेज बॉर्डर में आते हैं और यहाँ से फिर से हमने ले लिया कोई दूसरा डिजाइन और उसके बाद हमने कर दिया दिस सेक्शन, और जैसे हमने ओके किया ये देखिए इसमें भी अलग डिजाइन आ गई बॉर्डर की। फिर से हमने ये वाला पेज सेलेक्ट किया, पेज बॉर्डर में गए और यहाँ से हमने फिर से डिजाइन चुन ली, कोई दूसरी डिजाइन चुन ली, ये डिजाइन चुन ली और इस बार हमने ले लिया दिस सेक्शन, ओके कर दिया, सेक्शन में अलग हो गया। फिर इस पेज में लेना, फिर कर्सर यहाँ रखा, फिर से हम गए यहाँ पर पेज बॉर्डर में, फिर से हमने यहाँ पर इसका कलर बदल दिया और फिर हमने यहाँ पर लिख लिया दिस सेक्शन, ये देखिए इसकी डिजाइन बदल गई। तो इस तरीके से आप अलग अलग पेज में अलग अलग बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से पेज बॉर्डर ऑप्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि पेज बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन को समझाइए, ये किसी पैराग्राफ में बॉर्डर कैसे देते हैं तो बॉर्डर टैब से देते हैं, पूरे पेज में कैसे बॉर्डर देते हैं तो पेज बॉर्डर से देते हैं, शेडिंग में कैसे देते हैं तो शेडिंग में कैसे देते हैं, कोई भी पैराग्राफ को सेलेक्ट करके शेडिंग में देते हैं, ठीक है, पीछे शेडिंग कैसे देते हैं यहाँ से फिल